हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में बताऊंगा आपको डेंटा कॉइन का पूरा विड्रॉ ट्रिक, पेटीएम में कैसे लेना। और ये भी बताऊंगा मुझे डिले क्यों हुआ वीडियो बनाने में, मैं पूरा रीजन बताऊंगा। और आपको भी बताऊंगा कैसे आप लोग सेंड करो, मीन्स आपका देखो फी लगेगा क्योंकि आपको पता है टोकन ERC-20 बेस्ड है। सो मैं पूरा बताऊंगा कैसे करना, अकाउंट बैन हो रहा है या कैसे उसको वो करना, रिकवर करना, पूरा मैं बताने वाला हूँ। तो उससे पहले अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, या कोई भी अपडेट होता है, कुछ भी होता है, मैं तुरंत के तुरंत टेलीग्राम पर दे देता हूँ। जैसे कि अभी बहुत लोग उसमें साइन अप कर रहे थे, सब में ये प्रॉब्लम आया था, उसका भी मैंने सॉल्यूशन दे दिया था और मैंने नेक्स्ट वीडियो में भी बताया था। और इसको काफी यूजर्स ने, मतलब बहुत सारे यूजर्स ने, काफी यूजर्स के बोल भी रहे थे मेरे पास $15 हो गया, $20 हो गया, विड्रॉ ट्रिक बताओ। तो मैंने सबको बोला था कि आराम से बताऊंगा उसका, क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, अकाउंट बैन हो रहा है विड्रॉ के टाइम पे। फिर अभी मैं पूरा बताऊंगा, रीजन बताऊंगा कहाँ कहाँ पे अकाउंट बैन होगा, उसको कैसे रिकवर करना, क्या करना, मैं पूरा बताऊंगा। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना पहले, अच्छा रहेगा। मैं 2-3 दिन इनएक्टिव था टेलीग्राम पे, इसीलिए मैंने कोई पोस्ट वोस्ट नहीं डाला है। चलते हैं। देखो यार, मैं उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग मतलब पूरा का पूरा अच्छे से, तो इसलिए मैं आपको स्क्रीन शॉट में भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, पूरा का पूरा आपको समझ में आएगा। देखो, आपको वेबसाइट में लॉग इन करना है। वेबसाइट में लॉग इन करने के बाद आपको वही प्रोफाइल पे क्लिक करना, माई अकाउंट पे क्लिक करना। माई अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपको ये पेज पे आओगे, इन विद सिविक। अगर आप लोग डेस्कटॉप यूजर हो, मीन पीसी पीसी पे ये लॉग इन कर रहे हो, तो आप में एक QR कोड देगा। अगर आप लोग मोबाइल में कर रहे हो, तो आप में सीधा के सीधा ये आपको प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट करेगा। या आपने अगर डेस्कटॉप मोड में किया, मोबाइल में भी डेस्कटॉप मोड में किया, तो आपको QR कोड देगा। तो प्ले स्टोर से सीधा आप लोग डाउनलोड कर लेना यहाँ से। तो वो जो भी रिडायरेक्ट करेगा वही डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद आपको जैसे ही ओपन करोगे, आपको 4 डिजिट का पिन सेट करने के लिए बोलेगा, फिंगरप्रिंट लगाने के लिए, लगा लेना। उसके बाद आपको करना पड़ेगा 3 चीज वेरीफाई करना पड़ेगा। अब पहला है इसमें जैसे कि आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना, सेकंड है ईमेल और थर्ड है मोबाइल नंबर। तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई पे अगर आप लोग क्लिक करते हो, तो यहाँ पे आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना, नेक्स्ट पे क्लिक करना, आपको वही स्कैन यहाँ पे लिखेगा, प्लीज स्कैन योर पासपोर्ट। तो यार कोई घबराना मत, मतलब आपको पासपोर्ट वाला तो आप लोग आधार कार्ड से कर सकते हो। मैंने अपना खुद का अकाउंट आधार कार्ड से किया, वो भी मैं बताऊंगा आगे, दिखा भी दूंगा आपको। और सेकेंड चीज, आप लोग पैन कार्ड से, मैं एक प्रॉब्लम आया था जब मैंने पैन कार्ड से किया था, उसमें वो नेम मीन फादर नेम और ये जो मेरा नाम था वो मिसमैच में डाल दिया था, पता नहीं क्यों रीजन, उसमें लिखा भी था फादर्स नेम, ये तो फिर भी मिसमैच हो गया। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग पहली बार में आधार कार्ड से करो, बट आधार कार्ड नहीं तो ट्राई करना पैन कार्ड से, वैसे पैन कार्ड रिजेक्ट कर दे रहा है, बट फिर भी देख लेना आप लोग जैसा भी हो। तो यहाँ पे ये देखो, जैसे कि मैंने बताया, अभी यहाँ पे स्कैन कर लेना आपका आधार कार्ड, वो अपलोड कर देना। अब जैसे कि फिर सेकंड है ईमेल, तो ईमेल में आपको जैसे मैं बताता हूँ ईमेल आईडी डालना। जैसे मैंने ईमेल आईडी डाला, आपको OTP आएगा ईमेल आईडी पे, तुरंत आपको सेव कर लेना। तो आपका जैसे यहाँ पे ये टिक हो जाएगा, टिक करने के बाद आपको मोबाइल नंबर बताएगा, तो मोबाइल नंबर डालना, आप पे फिर से पिन आएगा, ये आपका मोबाइल नंबर हो जाएगा, ये ऐड, ये हो गया दोनों ऐड। अब मैं डॉक्यूमेंट वेरीफाई पे चलता हूँ। डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड कर दिया, जैसे यहाँ पे अपलोडिंग हो रहा है, तो यहाँ पे अपलोड होने के बाद यहाँ पे आपका जैसे जैसे ये देखो मैंने आधार कार्ड अपलोड किया, तो यहाँ पे आपका बताएगा कि आपका जो आधार कार्ड का नंबर, यहाँ पे नंबर शो होगा, जैसे मैंने हटा दिया है, तो यहाँ पे आप लोग देख लेना कि सब कुछ सही है कि नहीं, फिर नेम जो भी है, फिर ये सब एशियन कंट्री, लास्ट में डेट ऑफ बर्थ बताएगा। अगर आपका सारा चीज़ सही रहेगा, तो यहाँ पे जो जो चीज़ करेक्ट है, यहाँ पे टिक करते जाना। जैसे यहाँ पे टिक कर दोगे ग्रीन हो जाएगा, टिक करते जाना, टिक करते जाना। यहाँ पे जैसे मान लो कोई चीज गलत हो गया, तो यहाँ पे क्रॉस कर देना, तो आपका फिर से वो नेक्स्ट में वेरीफाई करके वो करेक्ट कर देगा। जैसे ही आप लोग कर दोगे, तो यहाँ पे लास्ट में आपको वेरीफाई का योर डिटेल्स पे आएगा, यहाँ पे क्लिक कर देना, तो ये आपका सीधा के सीधा आ जाएगा कि मीन्स सिविक KYC ऑथेंटिकेशन पास सक्सेसफुली। अब मैं बताता हूँ आपको प्रॉब्लम क्या आएगा। जी मीन्स आपको प्रॉब्लम आएगा एक जगह पे, वो बहुत काफी देर से लोड होगा, तो मीन्स वहाँ पे वेट करना, फिर आपका फेल्ड हो जाएगा। तो मीन्स अगर फेल्ड होता, अगर आपका नेट कनेक्शन फास्ट है, तो मीन्स हो जाएगा। तो अगर आपका स्लो है, मीन्स तो आपको टाइम लगेगा, तो 3-4 बार करना। अगर नहीं होता है, तो फिर मीन्स आप लोग 2-3 घंटे बाद या 3-4 घंटे बाद उसको फिर से ट्राई करना। मीन्स ये प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि मैंने दोपहर में ट्राई किया था, फिर शाम को किया, फिर मॉर्निंग में किया, तो मेरा तुरंत हो गया, तुरंत मीन्स फर्स्ट टाइम में हो गया। बाकी मैंने 3-4 बार ट्राई किया था, मेरा नहीं हो रहा था, मीन्स फेल्ड फेल्ड बता रहा था। मीन्स आपका उधर KYC सब कुछ सक्सेसफुल हो गया, लेकिन आपका सिविक अकाउंट और ये जो डेंटा कॉइन का अकाउंट है, वो कनेक्ट होने में प्रॉब्लम हो जाएगा, प्रॉब्लम होगा मीन्स उसमें प्रॉब्लम होगा, मीन्स काफ़ी देर से लोडिंग होगा, उसके बाद मीन्स फेल्ड हो जाएगा। तो उसका टेंशन मत लेना, आपका एक बार अगर KYC उधर हो जाता है, KYC वैसे इंस्टेंट होता है, मीन्स इंस्टेंट के इंस्टेंट KYC हो जाएगा 2-3 मिनट में। और यहाँ पे फिर उसके बाद कनेक्ट होने में प्रॉब्लम लगता है, मीन्स 5-5 मिनट लगता है वैसे कनेक्ट होने में, मीन्स आपका कनेक्ट भी हो जाएगा। मीन्स अगर आपका डिले होता है, तो आप लोग 2-3 घंटे बाद ट्राई करना, 3-4 घंटे बाद ट्राई करना, आपका कनेक्ट हो ही
जाएगा, 100% गारंटी दे रहा हूँ कनेक्ट हो जाएगा। तो कनेक्ट होने के बाद अब आते हैं विड्रॉ पे। विड्रॉ के लिए आपको जैसे यहाँ पे आपको जैसे विड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आपको आप बोलेगा वॉलेट एड्रेस। तो मैं अभी इसमें आप लोग वॉलेट एड्रेस आप कोई भी वॉलेट एड्रेस यूज़ नहीं कर सकते हो, सिर्फ के सिर्फ ERC-20 बेस्ड जो वॉलेट एड्रेस होते हैं वही यूज़ कर सकते हो। ERC-20 बेस्ड मतलब आपका जो ट्रस्ट वॉलेट का, एटॉमिक वॉलेट का, माइथर वॉलेट का, मीन्स वो सब ERC बेस्ड होते हैं, तो आप लोग वही वॉलेट एड्रेस यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आता हूँ ट्रस्ट वॉलेट में, ट्रस्ट वॉलेट में मैंने बताया था आपको प्लस पे, यहाँ पे जैसे अभी ये काफ़ी अपडेट हो गया, यहाँ पे ऊपर सर्च करना DCN या डेंटा कॉइन पूरा लिख देना। मैं बता देता हूँ डेंटा कॉइन, जैसे ये देखो ऊपर आ गया, इसको ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद इस पर क्लिक करोगे, एड्रेस डालो या डालो आप लोग डेंटा कॉइन का एड्रेस, दोनों एड्रेस सेम होता है। नहीं होता तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे मैं रिसीप पे, यहाँ पे रिसीप पे क्लिक करने के बाद जैसे देख लो मेरा स्टार्टिंग में 03 है और लास्ट में 654 है। और मैं इथेरियम का भी एड्रेस बताता हूँ, यहाँ पे मैं इसका इथेरियम का भी एड्रेस बता देता हूँ, ये देख लो 03654। इसीलिए बोलते हैं ERC-20 बेस्ड। ERC-20 बेस्ड मतलब इथेरियम का वॉलेट एड्रेस होता है। और वो सारे अगर आप लोग एक्सचेंज का एड्रेस डालते हो, मीन्स जैसे कोई एक्सचेंज का डाल रहे हो, तो वो एड्रेस आपका गलत हो जाएगा, वो आपको टोकन रिसीव नहीं होगा। इसीलिए आपको सिर्फ ERC-20 बेस्ड एड्रेस ही डालना है, तो वो सिर्फ आपका ट्रस्ट वॉलेट में मिल जाएगा, एटॉमिक वॉलेट में। बहुत सारे होते हैं मीन्स ERC-20 बेस्ड वॉलेट, बट मैं तो सजेस्ट करूंगा आप लोग ट्रस्ट वॉलेट यूज़ करो। तो यहाँ पे अपना डालना है डेंटा कॉइन का या इथेरियम का एड्रेस डाल के पेस्ट करना। यहाँ पे विड्रॉ आपके पास जितना, मैं वही सजेस्ट करूंगा जितना आपके पास टोकन है एक ही बार में पूरा विड्रॉ लेना। जैसे कि विड्रॉ लोगे उसके बाद मैं बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे पूरा विड्रॉ लोगे, जैसे मैंने एड्रेस डाला मेरे पास जितने थे, मैंने पूरा 2 लाख 20 लाख समथिंग विड्रॉ लिया। अब ये फर्स्ट टाइम जो जब भी आपका फर्स्ट टाइम विड्रॉ रहेगा उसमें लगेगा आपको 24 आवर्स, इतना टाइम लगेगा मैक्सिमम बता रहा हूँ 24 आवर, नहीं तो आपके 5-6 घंटे में वैसे रिसीव हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ, देखो 50-60% यूजर्स में आपका टोकन रिसीव नहीं होगा, आपका अकाउंट हो जाएगा ब्लॉक, मीन्स आपका अकाउंट हो जाएगा होल्ड। अब मैं बताता हूँ क्या करना है, मीन्स अब जिसका आ गया ट्रस्ट वॉलेट में, चलो भाई उनका सब कुछ सक्सेसफुल हो गया, उनको कोई झंझट नहीं है। अब जिसका नहीं हुआ उसका मैं बताता हूँ उनको क्या करना है। जैसे कि आपका यहाँ पे अप्रूव, वो मीन्स वेरिफिकेशन में जाएगा, आपने जो सेविंग अकाउंट दिया, आपने जो फेसबुक अकाउंट से कनेक्ट किया है, फिर वो सब कुछ क्रॉस चेक करेगा आपका, मीन्स अकाउंट कोई मतलब उल्टा सीधा तो नहीं है, मीन्स आपका जो फेसबुक का नाम डाला है, फेसबुक का जो प्रोफाइल फोटो है, फिर सेविंग में जो भी आपने वेरिफिकेशन किया वहाँ पे नाम कुछ और है, तो अगर कुछ भी मिसमैच होता है तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा और आपका अकाउंट हो जाएगा होल्ड। मीन्स आप लोग ना उसमें कुछ सर्वे कर सकते हो ना कभी भी विड्रॉ कर पाओगे। तो वो उसका भी मैं सॉल्यूशन बताता हूँ क्या होने वाला, और मैं बता देता हूँ वीडियो थोड़ा बड़ा होगा कि और पूरा, वैसे मैं पूरा इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा और ये वीडियो लंबा होगा तो यार पूरा देखना। अब देखो जैसे ये देखो मैंने बताया कि आपका जैसे यहाँ पे होगा, आपको 3-4 घंटे बाद देखने आना कि आपका अकाउंट कहीं होल्ड पे तो नहीं आ गया, अगर नहीं आया तो समझो आपका ट्रस्ट वॉलेट ने चेक कर लेना बैलेंस आ गया होगा। फिर देखो अगर आपका अकाउंट होल्ड में आ जाता है, मीन्स आपका अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा, फिर लॉग इन करोगे तो ऐसा पेज आएगा कि आपका अकाउंट होल्ड है, मीन्स ऐसा ये वेरिफिकेशन के लिए बोलेगा। अब इसमें क्या करना है मैं वो बताता हूँ, यहाँ पे आप लोग क्या करना है कि आप लोग क्या करना है, यहाँ पे अगर आप लोग फेसबुक पे आपका कोई प्रोफाइल फोटो वोटो नहीं है तो वहाँ पे प्रोफाइल फोटो लगा लेना। अगर मान लो आप लोग इंस्टाग्राम यूजर हो, मीन्स बहुत लोग क्या करते हैं फेसबुक अकाउंट यूज़ नहीं करते, जस्ट ऐसे बना के छोड़ देते हैं, बट इंस्टाग्राम पे उनका प्रोफाइल फोटो होता है, इंस्टाग्राम पे काफ़ी पोस्ट होते हैं, वो लोग उस पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग इंस्टाग्राम पे डाल, इंस्टाग्राम का अपना प्रोफाइल लिंक डाल देना, प्रोफाइल लिंक, और ये कोई पोस्ट वोस्ट का लिंक मत डाल देना, प्रोफाइल लिंक डालना। या फिर आप लोग ट्विटर पे एक्टिव हो, ट्विटर का डाल देना, लिंक्डइन पे एक्टिव हो तो लिंक्डइन का लिंक डाल देना। मीन्स आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे अगर आपका प्रोफाइल फोटो है या आप लोग उस पर ज़्यादा एक्टिव हो तो उसका लिंक डाल देना। और मैं अगर सजेस्ट करूँ तो आप लोग क्या करना है, अगर आप लोग कहीं भी इनएक्टिव हो तो आप लोग ट्विटर का, अगर आपके पास अकाउंट सिर्फ पड़ा है तो उसमें क्या करना, नाम जैसा भी आपके ने मीन्स आपका सिविक अकाउंट में जैसा भी नाम डाला है आपने, जो भी नाम डाला वो नाम डालना, डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो डेट ऑफ बर्थ डाल देना, और जो भी मीन्स आपका फोटो है वो फोटो अपडेट कर देना। और ध्यान है वो फोटो मीन्स मतलब आपको प्रेजेंट नहीं होना चाहिए कि आपने इस डेट पे फोटो डाला है, तो इसीलिए बस प्रोफाइल फोटो सेट कर देना और वो लिंक आप लोग यहाँ पे शेयर कर देना। ये मैं बता रहा हूँ आप लोग को कैसे आपको मीन्स आपका अकाउंट कैसे अनब्लॉक होगा। तो ये आपको अपना वही लिंक डालना, प्रोफाइल लिंक डालना, प्रोफाइल लिंक पे डालने के बाद आपको यहाँ पे करना पड़ेगा अपलोड, अपलोड सेल्फी अपलोड करना पड़ेगा आपको खुद का। तो अपलोड सेल्फी में आपको एक साथ में एक पेपर पे आपको लिखना पड़ेगा डेंटा कॉइन, और साथ में आप अगर आप आज फोटो अपलोड करो तो आज की डेट,
वो फोटो अपलोड कर देना, और नीचे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन में आपको डालना है कि मैं इस आपका आप लोग फेस इसमें ऐसे डाल देना कि आप लोग इंग्लिश में लिखना, मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ कि आप लोग फेसबुक पे मीन्स एक्टिव नहीं हो, मैं इस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा एक्टिव हूँ। मीन्स अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो तो भी लिख देना कि मैं मीन्स आप फेसबुक पे इनएक्टिव हूँ, इसलिए मैंने जस्ट कनेक्ट करने के लिए डेंटा कॉइन कनेक्ट कर दिया था, बट मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव हूँ, आप लोग मेरा प्रोफाइल चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो, और डिटेल्स डाल देना, मीन्स आपने ईमेल आईडी ये डाला, वैसे डिटेल्स की जरूरत नहीं, बट मैं बता दे रहा हूँ ऐसे लिख देना, आपको जो भी लिखना होगा लिख देना अपने हिसाब से। मैंने बस जस्ट एक शॉर्ट में मैंने जो लिखा था मैंने वो बता दिया, सबमिट करना। सबमिट में आपको 72 आवर्स में आपको एक रिस्पॉन्ड, 72 आवर्स के अंदर आपको एक रिस्पॉन्ड आ जाएगा कि मीन्स आपका अकाउंट अनब्लॉक हो गया, या आप अकाउंट ओपन करोगे तो आप लोग मीन्स आपको ओपन हो जाएगा, मीन्स आपको ये वाला अकाउंट नहीं आएगा, नहीं तो आपको बोलेगा कि योर अकाउंट इज ऑन रिव्यू, प्लीज कम बैक लेटर, ऐसा करके आएगा। तो थोड़ी देर बाद आना, देख लेना आपका अकाउंट हो गया, तो तुरंत के तुरंत आपका विड्रॉ भी सक्सेसफुल आ जाएगा। आप भाई एक बार अगर आपका सक्सेसफुल आ गया उसके बाद तो मीन्स आपके पास 50,000 टोकन होंगे ना, वो भी आपके वॉलेट में आएगा, मीन्स 2-3 मिनट लगेगा सिर्फ के सिर्फ आपके इंस्टेंट आपके ट्रस्ट वॉलेट में आएगा। अब एक बार ट्रस्ट वॉलेट में आ गया भाई, समझ लो आपका 95% काम खत्म, मीन्स आपका इसमें थोड़ा भाई इस वाले मीन्स समझ जाओ प्रॉफिट है, बट थोड़ा प्रॉब्लम भी है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है। तो ये आपका एक बार आ गया इसमें वॉलेट में, अब यहाँ से इसको करना कैसे, आपको करना है इसको पेटीएम में कैसे लेना वो मैं बताता हूँ। अब ये आपको एल ए टोकन, ये 2-3 मैंने बताया था उस प्रीवियस वाले वीडियो में, 2-3 एक्सचेंज पे लिस्टेड और एक हॉटबिट पे भी लिस्टेड हो गया, बट अभी उसका ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं हुआ, जस्ट डिपॉजिट उसका स्टार्ट, अभी डिपॉजिट सिस्टम उसका चालू हुआ है, अभी उसका ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं हुआ, ट्रेडिंग और विड्रॉ भी स्टार्ट नहीं हुआ। तो उसका हॉटबिट का जब ओपन होगा तो मैं बताऊंगा, हॉटबिट में मैं कहूँ तो फी वो कम है, बट अभी मैं एल ए टोकन का मैं बताने वाला हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, इसलिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं पूरा भी बताने वाला हूँ कैसे पैसे पेटीएम में लेना, और ये भी बताऊँगा कितना फी लगने की, फी बहुत ज़्यादा है, और ये भी मैं बताऊँगा कैसे आपका कम फी में भी काम हो जाएगा। अब देखो जैसे कि आप लोग मीन्स आपने साइन अप इसमें कर लिया, साइन अप के लिए बस आपको ईमेल आईडी की ज़रूरत है, या फिर फ़ोन नंबर से भी साइन अप कर सकते हो, ओके वाई सी वाई सी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आना माई एसेट्स में, यहाँ पे करना गेट, गेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना ऊपर डी सी एन, डी सी एन सर्च करने के बाद यहाँ पे देखो डेंटा कॉइन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना, और यहाँ पे आपको ये देगा एक एड्रेस, अभी मैं सजेस्ट करूँगा मेरे एड्रेस पे मत भेजना। अब सबसे पहला यहाँ कुछ 6 लाख मिनिमम डिपॉजिट है, तो अगर आपके पास 4 लाख है तो आप लोग भेजोगे तो वो डिपॉजिट यहाँ पे नहीं होगा, आपका फेल हो जाएगा, और वो आपके ट्रस्ट वॉलेट में भी रिसीव नहीं होगा वापस, तो वो पूरा का पूरा आपका वेस्ट हो जाएगा। तो मिनिमम 6 लाख डिपॉजिट है, और पहले मैं सजेस्ट करूँ पूरा वीडियो देखना, फिर आप लोग कुछ भी जो करना होगा आगे कर लेना, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आएगा वो भी मैं बताता हूँ। तो यहाँ से एड्रेस कॉपी करना, कॉपी करने के बाद अभी जैसे मेरे पास 2 लाख है तो मैं सेंड नहीं करूँगा, मैं बस जस्ट बताने वाला फ़ी कितना लगने वाला, क्योंकि ERC-20 भेज रहे तो ऑफकोर्स इथेरियम लगने वाला है। ये एड्रेस किया मैंने पेस्ट, ये किया मैक्स, अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो अभी मैं बताता हूँ फ़ी कितना लगेगा। तो ये देख लो भाई फ़ी देख लो आप लोग, तो 73 का मैं टोकन सेंड कर रहा हूँ, $10 के आसपास फ़ी लग रहा है, 800 के आसपास फ़ी लग रहा है, तो ये फ़ी बहुत ज़्यादा लग रहा है। मीन्स मैंने तो अभी 150 फ़ी में सेंड किया था 2 दिन पहले, अभी तो फ़ी मीन्स कल से बहुत ही हाई है, मीन्स नेटवर्क फ़ी काफ़ी ज़्यादा है, इथेरियम का नेटवर्क फ़ीस अभी 2 दिन से बहुत ही हाई चल रहा है। तो मैं अभी सजेस्ट करूँगा आप लोग जस्ट ट्रस्ट वॉलेट में रखे रहो रखे रहो, जब इथेरियम का फ़ी कूल डाउन होगा मीन्स जब $1 $2 के पास आसपास आएगा तब मैं बताऊँगा सेंड करने के लिए। तो सब में तो इतना नहीं होगा, मीन्स किसी में कम होता है किसी में ज़्यादा होता है, 20 बहुत, अभी इथेरियम का मैं कल से देख रहा हूँ $10 $15, यूनिस्वैप पे मैंने ट्रेड किया था रेल तो $25 फी लगा था, मैं अभी बता रहा हूँ। मीन्स जहाँ $7 में मेरा ट्रेडिंग हुआ था, मैं $7-5 पे मैंने स्वैप किया था 3-4 दिन पहले, और कल किया मेरा $25 फी लगा था। तो अभी मैं सजेस्ट करूँ तो आप लोग यार जितना हो सके इसी ट्रस्ट वॉलेट में रखते रहो रखते रहो, एक टाइम पे ऐसा आएगा ना मीन्स काफ़ी मजा आने वाला, आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। बट फिर भी पेटीएम का ट्रिक है तो मैं पेटीएम का बता ही देता हूँ कैसे करना, पूरा ट्रेड करके लाइव ट्रेड करके करूँगा, और पूरा का पूरा बताऊँगा पेटीएम में कैसे लेना है, लाइव ट्रेडिंग करूँगा इसमें, मैं बताऊँगा ट्रेडिंग भी कैसे करते हैं हम। सो ये पूरा देख लेना, तो आपको प्रॉफिट भी पता भी चल जाएगा कि आप लोग ट्रेडिंग कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं रहता। तो ये देख लिया फ़ी कितना है, तो अभी सजेस्ट मत करना, मैं इसकी ट्रेडिंग भी अभी स्टार्ट नहीं करूँगा, आप लोग को भी सजेस्ट करूँगा इसका ट्रेडिंग अभी मत करना। सो ये बता दिया अभी, अभी यहाँ पे देखो 2 लाख टोकन की कॉइन है 73 रुपीज़, ये मैंने बता। अभी आते हैं यहाँ पे टोकन पे, जैसे मैंने ये 3 दिन पहले भेजा था तब मेरा फ़ी लगा था, मैं 1.43 डॉलर फ़ी लगा था, सिर्फ के सिर्फ 1.43 फ़ी लगा था मैंने जब सेंड किया था, और ये रिसीव होगा 24 आवर्स के अंदर रिसीव होता है, इंस्टेंट आपके टोकन में इसमें नहीं आएगा। मेरा आया था
16 आवर्स में आया था, पूरे अगले दिन आया था। सो ये इसका मीन्स आप लोग, ये नेटवर्क पे भी डिपेंड करता है, ब्लॉकचेन पे भी और कंफर्मेशन पे भी डिपेंड करता है कितना बार आपका कंफर्म, मीन्स जितना ज़्यादा आप लोग नेटवर्क फी लगाओगे उतना जल्दी आपका उतना फास्ट होगा। मैंने नेटवर्क फी थोड़ा कम करके लगाया था, इसलिए मेरा टाइम लगा था रिसीव होने में। अब एक बार यहाँ पे आ गया, जैसे आप मेरे मान लो आपके टोकन आ गए, वॉलेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका बताएगा आपके पास कौन कौन से टोकन है। जैसे मेरे पास DCN टोकन है, इसको मुझे करना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट में, मीन्स स्पॉट अकाउंट में ट्रांसफर। तो यहाँ पे DCN सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और ये 1 मिनट, यहाँ पे DCN सेलेक्ट करना है, यहाँ पे DCN 1 मिनट मैं सेट, ओके सॉरी, यहाँ पे आपको ट्रांसफर पे क्लिक करना है। ट्रांसफर पे यहाँ पे डेंटा कॉइन पे आना है, यहाँ पे ट्रांसफर ऑल यहाँ पे दिखा रहेगा स्पॉट अकाउंट। हमें क्या करना है, वॉलेट से स्पॉट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, स्पॉट अकाउंट मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे देखो स्पॉट अकाउंट में मेरे आ गए पूरे DCN। अब मैं आता हूँ ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग में यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको सर्च करना है DCN, यहाँ पे DCN। और इसका ट्रेडिंग मैं सजेस्ट करूँ USDT पे ही, USDT बेस्ट है। और विड्रॉ भी बताऊँगा विड्रॉ किस में लेना, आपका कम फी लगेगा। अब यहाँ पे आ गया, अब आपको मैंने बताया 2 लाख टोकन की प्राइस कितना था, 73 रुपीज़, 74 मान लो। अभी मैं उसको यहाँ पे अमाउंट डालता हूँ 2 लाख, सो देखो मैंने यहाँ पे 2 लाख टोकन डाला, वहाँ पे मैंने बोला 73 या $1 के आसपास समझो, यहाँ पे $0.7 है, मीन्स आपको गैप पता चला। अभी छोड़ दो, अगर आपके पास मान लो 2 लाख टोकन है, मैं अभी थोड़ा लार्ज अमाउंट लेता हूँ, 2 लाख टोकन की वैल्यू यहाँ पे, सॉरी 2 लाख बोल रहा हूँ, 20 लाख टोकन मैंने लिया है टोकन, DCN टोकन की वैल्यू यहाँ पे $7 है, और यहाँ पे मैं अगर 20 लाख टोकन डालता हूँ तो यहाँ पे इसकी वैल्यू $10 है, मीन्स $3 का गैप है। तो काफ़ी लोग बोलते हैं मैंने तो इतना दिया, ट्रस्ट वॉलेट में देख के आते हैं, नहीं तो गूगल पे देख के आते हैं, बोलते हैं यार मैंने तो इतना दिया मेरे को इतना क्यों मिल रहा है। तो यार देखो यार, इतनी ज़्यादा गैपिंग होती है, इतना ज़्यादा ट्रेडिंग में, हमेशा मैं बोलता हूँ यार ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा वैल्यू कम होता है। और ये देख लो, इसीलिए मैं बताता हूँ कि कम क्यों मिलता है। ये देख लो 20 लाख टोकन का आपको पता चल गया। अब जैसे कि मान लो मेरे पास कुछ 7 लाख टोकन है, मैं इनका इंस्टेंट, अगर यहाँ पे देखो इंस्टेंट, जैसे मैं बताता हूँ ट्रेडिंग बहुत टाइप्स में होता है, अगर आपको इंस्टेंट सेल करना है तो ये देखो बायर्स बैठे हैं ऊपर, जैसे 0.5 टाइम्स शायद 0 है, 352 है। तो अगर मेरे को इंस्टेंट ट्रेडिंग करना है तो मैं ये बाई कर रहा है, तो मैं इसी को दे के मैं USDT खरीद लूंगा। मीन्स ये क्या कर रहा है, इतने टोकन खरीद रहा है USDT देके, मैं क्या करूंगा, मेरे को USDT बाई करना है, ये USDT सेल करके DCN खरीद रहा है, मैं क्या करूंगा, मैं DCN देके USDT बाई करना है, क्योंकि हमें तो सेल करना है। तो ये इसके प्राइस पे मैं सेल करूंगा, अगर मुझे मान लो लगता है कि इसकी प्राइस बढ़ेगा तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा प्राइस ज्यादा करके बेचूंगा। तो उस पर क्या आपका टाइम लगेगा सेल होने में, जब तक आपका कोई खरीदेगा नहीं। तो मैंने इसका प्राइस सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने 100% लिख दिया, मेरे को इसके 2-7 लाख टोकन की वैल्यू मिले 2.45। मैं करूंगा देखो सेल पे क्लिक किया यहाँ पे, और ये मेरा हो गया देखो सक्सेसफुली, मेरा ऑर्डर सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, यहाँ पे देख लो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका कंप्लीट नहीं होता तो यहाँ पे माई ऑर्डर्स पे आओगे ना तो आपका दिखाई देगा, आप बाय डिफॉल्ट आप लोग ट्रेड पे रहोगे, यहाँ पे माई ऑर्डर्स पे दिखाओगे तो आपका सारा टिक हो जाएगा। मीन्स अगर आपका कोई पेंडिंग में होगा तो आपका पेंडिंग में दिखाएगा, तो आप लोग कैंसिल भी कर सकते हो जो भी करना हो। तो ये आ गया आपको USDT में आ गया, यहाँ पे देखो आपके सक्सेसफुली देखो अवेलेबल USDT में 6.44 आएगा। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ, विड्रॉ के टाइम पे सब लोग क्या करते हैं, TRX लेते हैं, TRX मैक्सिमम 90% लोग TRX आते हैं, TRX नहीं होता डोगी कॉइन पे आ जाते हैं, डोगी कॉइन नहीं होता तो XRP पे आते हैं। तो मैंने तीनों चीज़ मैंने सारा मिस मैंने ट्राई कर लिया, किस में विड्रॉ फी कम लगता है, किस में ज़्यादा लगता है, मैं एक सजेशन किस में करूँगा किस में लेना। तो यहाँ पे वॉलेट में आते हैं, वॉलेट में आने के बाद देखो जैसे कि मैं विड्रॉ पे अगर जाता हूँ, जैसे सेंड कॉइन पे क्लिक करता हूँ, सेंड कॉइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं TRX में मैंने ऑलरेडी ट्रेड किया था $2 का, तो मैं TRX वॉलेट एड्रेस पे लेता हूं। तो यहां पे देख लो ट्रांजेक्शन फी 357 TRX है, तो फी भाई तो मतलब 350 TRX फी लग रहा है, तो काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो ये TRX वाला ऑप्शन छोड़ दो। फिर आते हैं डोगी कॉइन पे, डोगी कॉइन वॉलेट ले लेते हैं और इसमें देख लेते हैं, तो भाई 16,650 डोगी कॉइन फी लग रहा है, तो ये भी वाला ऑप्शन छोड़ देते हैं। तो मेरा सजेशन है कि आप लोग USDT में सेंड करो, USDT में मैं बताता हूँ ERC-20 बेस्ड है, तो ये इसका फी $3 है। तो अभी जैसे कि मेरे पास है 6.4, मैं सेंड नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता वो भी बताता हूँ, कि आपके पास मिनिमम ट्रांसफर बैलेंस जो 3.5 है और फी इतना है, तो दोनों को ऐड करेंगे 6.5 होना चाहिए, मेरे पास 6.4 है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो पास जो TRX है और डोगी कॉइन है, वो जो मैंने ट्रेड किया था उसको मैं USDT में ले लेता हूँ, फिर मैं उसको विड्रॉ करता हूँ। ये मैंने देखो
कर लिया, ट्रेडिंग मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। अभी मेरे ये आ गए 5.58, ये आ गए इसमें, तो इसको मैं ट्रांसफर कर लेता हूँ अपने विड्रॉ वाले मीन्स मेन वॉलेट में, वॉलेट टू स्पॉट, सॉरी यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ स्पॉट अकाउंट से, मेरे को वॉलेट अकाउंट में चाहिए तो इसमें ट्रांसफर और ट्रांसफर कर लेता हूँ। तो ये मेरे आ गए मेरे यहाँ पे। अब मैं इसको सेंड पे क्लिक करता हूँ, सेंड पे USDT सेलेक्ट कर देता हूँ और ये ERC20 बेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखो ये मेरा सक्सेसफुली आ गया। इसमें भी बहुत सारे मोड है, फास्ट और ये फास्टेस्ट। तो इसका मैं बताता हूँ, यहाँ पे जैसे मेरे को सेंड ऑल करना, अब इसको आप लोग विड्रो जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल किया था ना, तो यहाँ पे मेरे पास $9.95 है। ये $3.5 इतना फी कट रहा है और 3 पॉइंट फी कट रहा है और ये 6.5 मेरे को रिसीव होगा। तो देखो इसका मैं ट्रेडिंग तो लेट करूंगा जब नेटवर्क फी कूल डाउन होगा, मीन्स मैंने बताया ना अभी ट्रस्ट वॉलेट से जब आप लोग सेंड करो तो इतना काफी। तो इसका मैं ट्रेडिंग खुद फी मैं ट्रेडिंग खुद करूंगा और ये मैं बता दूंगा ग्रुप में कब मैं इसका ट्रेडिंग करने वाला हूँ। तो उससे क्या होगा, अगर मान लो अगर मेरे को 3 बंदे भी भेजते हैं ना, मैं 3 लोगों का भी ट्रेडिंग करता हूँ, तो 3 लोगों का सब मीन्स वो लोग जो भेज है उनका फी हटा दो, और ये जैसे मीन्स आपका सबका टोकन आया तो मैं अगर 3 लोगों को सेंड करूंगा तो सब में $1-1 फी लगने वाला है। तो अगर आप लोग खुद करने वाले हो तो आपका $3 फी लग रहा है, लेकिन अगर मैं काफी लोगों का यूजर्स का करूंगा, 10-15 यूजर्स का करूंगा, तो वो फीस सब में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो इसका ट्रेडिंग मैं जब लेट करूंगा काफी दिन बाद, जब अच्छा डिसेंट की वैल्यू भी अच्छा हो जाएगा, और अगर कहीं और भी अच्छे प्लेस पे लिस्टेड हो गया, जैसे मैंने बताया हॉटबिट पे लिस्टेड हो गया बट ट्रेडिंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो जैसे ही ट्रेडिंग अगर वहां पे, क्योंकि उसमें विड्रॉ मिनिमम विड्रॉ वैसे कुछ 300 TRX है और फी 50 TRX है, एज कंपेयर मतलब इससे कंपेयर करें तो यार कितना ज्यादा, इसमें 350 TRX लग रहा है, उसमें 50 TRX लग रहा है। तो इसमें मैंने अभी सजेस्ट किया जिसको अभी करना, मीन्स जिसके पास लार्ज अमाउंट में है और मीन्स बहुत ज्यादा करना चाहे तो वो खुद कर सकता है, और फी मैंने बता दिया कितना है। तो अपना ट्रस्ट वॉलेट का ERC20 मतलब जो भी एड्रेस है वो दे सकते हो, और क्या बोलते हैं मीन्स मैं अगर सजेस्ट करूँ तो आपके पास अगर कॉइन स्विच का है तो कॉइन स्विच में कर लो, डायरेक्ट आप लोग सेल करके पेटीएम में ले सकते हो। कॉइन स्विच तो 90% यूजर्स के पास अभी तो आ ही गया होगा। तो ये देखो मैंने पूरा बताया, यहाँ पे जैसे यहाँ पे अपना कॉइन स्विच का एड्रेस डालना, यहाँ पे पेस्ट करना, यहाँ पे सेंड कर देना, तो आपका सक्सेसफुली सेंड हो जाएगा। OTP, हाँ ईमेल पे OTP का OTP डाल देना। तो ये देखो पूरा का पूरा मैंने बताया इसको कैसे लेना है, पूरा मैंने बता दिया फी कहाँ लगेगा, कैसे अकाउंट अनब्लॉक करना है। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया होगा, कोई मतलब भूल गया होगा, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं पूरा बता दूंगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू गाइज।